क्या आप फीमेल हैं और आप भी पीरियड की इरेगुलरिटी या पीएमएस संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, या आपको थायराइड हो गया है, पीसीओडी हो गया है, फर्टिलिटी इश्यूज हो गए, कंसीव नहीं हो रहा है, या फिर आप मीनोपॉज स्टेज में और आपको हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, क्या आपके घर में कैंसर की कोई हिस्ट्री है, आप ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क को कम करना चाहते हैं या अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो आज का जो हम फूड है वो इस तरह का फूड डिस्कस करने वाले हैं जिसमें ये सारी ही समस्याओं को रिजॉल्व करने की काफ़ी अच्छी क्षमता है। क्या फूड है, कौन सा है, जानते हैं हम। वीडियो बहुत ही सुपर शॉर्ट है तो बिल्कुल स्किप मत करिए, सारा देखिए क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और आपको पता चलेगा कि इस फूड को आपको अपने डाइट में क्यों इंक्लूड करना है। चैनल पर नए पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिले। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, शेयर करिए मैक्सिमम लोगों के साथ ताकि ये जो हॉर्मोन से रिलेटेड समस्या अब एक एपिडेमिक बनती जा रही है, पैंडेमिक बनती जा रही है, उस सारे समस्याओं को हम नेचुरल निदान खोज सके, उतने से पहले ही उनका शमन कर सके। कमेंट करके मुझे बताइए अगर आपको कोई भी प्रश्न या कोई भी डाउट है। वेलकम बैक डाइट खाना सेहत पाना, और मैं हूँ डाइटिशियन अनुराधा, आपकी न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी वेलनेस एक्सपर्ट, आपकी फिटनेस गुरु या फिर लाइफस्टाइल कोच, किसी भी नाम से आप मुझे बुला सकते हैं। आज हम एक सुपर सीड के बारे में बात करने, एक ऐसी सुपर सीड जो कि थायराइड को बहुत अच्छे से रिवर्स करने का मादा रखता है। बेसिकली हमारे जो बॉडी में ऑर्गन्स है वो सब ऑर्गन में सबसे ज़्यादा सेलेनियम नाम का मिनरल अगर किसी खास ऑर्गन में जमा होता है या स्टोर होता है तो वो है थायराइड ग्लैंड। सेलेनियम एक मिनरल है, बहुत कम अमाउंट में हमारी बॉडी को उसकी आवश्यकता होती है, पर बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है कम अमाउंट में होकर भी। और इसीलिए ऐसा कोई भी फूड जिसमें ज़्यादा अमाउंट में सेलेनियम होगा अगर हम वो खाएंगे तो हमारे थायराइड ग्रंथि को ठीक करने की क्षमता रखेगा, और ये एक ऐसा फूड है तिल। जी वही तिल जो हम बहुत जल्दी लोहड़ी या संक्रांति में बनाते हैं और हमारे पूर्वजों ने त्योहारों के जरिए हमारे खान पान में उसको सम्मिलित करने का प्रयोजन बना रखा है। ये जो तिल है इसमें सेलेनियम काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, थायराइड ग्लैंड की हेल्थ को ठीक रखने का काम करता है। सेलेनियम के साथ साथ तिल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है आयरन, कॉपर, जिंक, विटामिन B6, अगेन थायराइड ग्लैंड की को स्वस्थ रखने का काम, थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग यानी कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम, और थायराइड ग्लैंड से ज़्यादा से ज़्यादा थायराइड हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन का काम बढ़ाने में ये तिल बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होते हैं। इसके साथ साथ ही तिल के बीजों में होता है एक खास तरह का कंपाउंड फाइटोइस्ट्रोजन। फाइटोइस्ट्रोजन जो होता है उसका जो फाइटोइस्ट्रोजन कंपाउंड का स्ट्रक्चर हमारे फीमेल बॉडी में निकलने वाले एक हार्मोन इस्ट्रोजन से काफ़ी मिलता जुलता है। इस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये जो दो हार्मोन्स हमारे फीमेल बॉडी में निकलते हैं, इनका एक बहुत डेलिकेट बैलेंस होता है और ये बैलेंस बिगड़ने की वजह से बहुत सारे हार्मोनल रिलेटेड इश्यूज जो मैं आपको फर्स्ट सेक्शन में बता चुकी हूँ वो उत्पन्न होते हैं। तो जब हम ऐसा कोई भी फूड लेते हैं जिसमें काफ़ी अमाउंट में फाइटोइस्ट्रोजन होता है, जिसका स्ट्रक्चर इस्ट्रोजन हार्मोन्स की तरह काफ़ी मिलता जुलता है, तो वो इस्ट्रोजन हार्मोन की तरह काम करने लगता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि नेचुरल सप्लीमेंटेशन है इस्ट्रोजन हार्मोन का जो हम फूड के थ्रू ले रहे हैं, तो इसकी वजह से वो सारे समस्याओं का निदान, पीरियड हो, थायराइड हो, पीसीओडी हो, फर्टिलिटी इश्यूज हो, इवन मीनोपॉज हो, इस तिल के सीड्स के सेवन की वजह से हो सकता है। हॉट फ्लैशेस की समस्या है, ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क है क्योंकि फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, तो इन सारे रिस्क को कम करने का काम भी तिल के बीज करते हैं। तो तिल के बीजों को हेल्दी रूप में अपने डाइट में इंक्लूड करिए। आप तिल को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी सब्जियों की ग्रेवीज में, आप मैरिनेट कर सकते हैं अपनी फिश को या फिर नॉनवेज को, या ग्रेवीज में आप यूज़ कर सकते हैं आप नॉनवेज की, आप तिल को मुखवास में यूज़ कर सकते हैं, आप तिल को अपने सैलड्स या फिर सूप्स में यूज़ कर सकते हैं, तिल की तहिनी हम्मस वगैरह बना के उस तरीके से भी आप तिल का उपयोग कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज का दिया हुआ डाइट हैक आपको पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि में से कौन सी समस्या से इस वक्त जूझ रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन दबाए, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हमेशा याद रखिए कि आप इस जहाँ में सबसे यूनिक है। इसी आशा के साथ मैं आपसे लूंगी अब विदा, वाणी को दूंगी हम विराम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभम भवतु।